वेरी गुड मॉर्निंग। ये मुक्तेश्वर इसकी वैली का नज़ारा कुछ ऐसा है। इस साइड कहीं रामगढ़ भी पड़ता है, भवाली पड़ता है नीचे, अब मुझे पता नहीं, लेकिन वैली काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी सुंदर नज़ारा है मॉर्निंग का। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि उपाध्याय। कल रात रुके थे मुक्तेश्वर में, इस होटल में। आज हमारा जो प्लान है वो है आपके मुक्तेश्वर टेम्पल जाने का। एक जौली की चाली है, वहाँ जाएंगे हम लोग, और एक वाटरफॉल है, उधर जाएंगे। फिर उसका नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। चलते हैं मंदिर की ओर। वो सामने वाला जो आपको पीक दिखाई दे रहा है वो वहाँ पर टेम्पल है, और जो आगे एक स्टीप दिखाई दे रहा है स्टोन, वो जौली की जाली है। ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पर आप अपनी गाड़ी खड़ी कीजिए। और ये ऊपर है मंदिर का गेट, और प्रसाद की दुकान भी है। मंदिर का गेट है, और मुक्तेश्वर टेम्पल की डिस्टेंस काठगोदाम से करीब 85 किलोमीटर है। योग के लिए आदर्श स्थान मुक्तेश्वर नाम की पहाड़ी की चोटी पर स्थित 5,350 वर्षों पुराने मंदिर के आधार पर पड़ा। प्राचीन मूल ग्रंथों से में इसे मुक्तेश्वर के रूप में उल्लेखित किया गया है। यह मनोहर क्षेत्र भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान के पहाड़ी परिसर के रूप में सेवारत है। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के लिए कुछ स्टेयर्स हैं, इन स्टेयर को पार करके हमें पहुंचना पड़ेगा मंदिर में। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर में। पहला मंदिर है यहाँ का। ये देवी माता का मंदिर है, देवी माता का मंदिर है, और यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर की एक परिक्रमा करके आपको दिखाता हूँ। बहुत सारी चुनरी बदी भी है यहाँ पे, और मंदिर काफी खूबसूरत है, और बिल्कुल टॉप पे है मंदिर, और काफी अच्छा है। दूर से दिखाता हूँ पूरा मंदिर, यहाँ से आ जाएगा। ये पूरा मंदिर है ऊपर से लेके नीचे तक। मंदिर से नीचे घाटी का नजारा ऐसा है, और हम लोग को जाना है चौली की जाली। इसके बाद वो सामने जो क्लिप टॉप आपको दिखाई दे रहा है वो है चौली की जाली। फाइनली हम लोग आ गए हैं चौली की जाली पे। यह है चौली की जाली। कुछ यहाँ पर शॉप है लेकिन अभी बंद है, कब तक दिन में खुले, क्योंकि अभी 9 बज रखे हैं मॉर्निंग के। लेकिन व्यू काफी जबरदस्त है, तो मैं आपको आगे का वीडियो दिखाता हूँ। नीचे घाटी देख रहे हो आप, क्लिप के ऊपर मैं बैठा हूँ, और ये पूरी घाटी है, बहुत भयंकर है। चारों ओर ऐसे बहुत सारी क्लिप है। ये क्या फोटो आई है। यह है नीचे चौली की जाली। थोड़ा उधर नीचे जाना बहुत टफ है, आप देख रहे हो बीच में एक होल है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये इस होल से पार होने पे मनोकामना पूरी होती है, मतलब ऐसी पाइकता कही गई है, लेकिन बहुत ज्यादा डेंजरस है, नीचे बहुत भयंकर खाई है। मजा आ गया मुक्तेश्वर घूम के। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना चैनल को मेरे, और लाइक जरूर करना, और साथ में अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। आप देख रहे हो अभी मैं बहुत टॉप पे बैठा हूँ, और मेरा डर भी काफी लग रहा है, इसलिए वैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन बस उतरता हूँ यहाँ पे, प्रतिबंधित क्षेत्र होगी। नाउ वी आर एट बालूगाड वाटरफॉल। यहाँ पे इसका टिकट काउंटर है, 20 रुपीज पर पर्सन चार्ज है उसका, और ये वे है उसका। चलते हैं बालूगाड की ओर। नदी की आवाज आप सुन रहे हैं, आज क्राउड बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा क्राउड है। अभी वाटरफॉल थोड़ा और ऊपर है, निकालते हैं, चलते हैं ऊपर की ओर, देखते हैं नज़ारे क्या। सब लोग फोटोकॉपी में मशगूल हैं, रास्ता पार करने का है नहीं, मैं कैसे पार करूंगा नहाने। अभी तक 2 टाइम्स ऐसे सिचुएशन आ गई है, आपको पता है मैं लेग फ्रैक्चर हुआ था, मैं जंप मार के जा नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नदी पार करनी है। कैसे कैसे, बस ये बेनिफिट है कि मैंने अपने लिए शूज वाटर प्रूफ लिए हुए हैं, उसके अंदर पानी घुसता नहीं है, तो मैं आराम से ऐसे नदी पार ऐसे कर देता हूँ।
ये दिव्यांश ने सपोर्ट कर रहा है पीछे से नदी पार करने के लिए। और यहाँ पे देखिए आप, गोभी की खेती बहुत मस्त हो रखी है, पत्ता गोभी। अब मेरे ख्याल से वाटरफॉल पता नहीं कहाँ पे है, हो गया 2 किलोमीटर तो चली गई पैदल। मैंने मोबाइल में देखा, मैंने 1.2 किलोमीटर लिखा हुआ है जो कि सरासर गलत है। एक शॉप भी है यहाँ पे छोटी सी, सब यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब रखी हुई है। वाटरफॉल पे मैं पहुंच चुका हूँ। एक ये ब्रिज है देखो नदी पार करने के लिए, और सामने भी वाटरफॉल है, उसके नजदीक चलते हैं, देखते हैं वहां के नज़ारे। अगर स्विमिंग करने का मन होगा तो स्विमिंग भी करूंगा मैं आराम से, ठीक है। वाटरफॉल बिहाइंड मी, बहुत ज्यादा आवाज है, आवाज का थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा क्योंकि यहाँ पानी की आवाज बहुत ज्यादा तेज आ रही है। पता नहीं मेरी आवाज आपको अच्छी लग रही होगी, लग रही होगी, बहुत नहाया, काफी मजा आया इस कॉल में, क्योंकि जो आपके है मुक्तेश्वर से करीब 12 किलोमीटर दूर है, भालू बाड़ नाम है इस कॉल का, 65 फीट ऊपर से चलता है। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो नीचे सेलेक्ट करके सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि फ्यूचर के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और प्लस लाइक जरूर कर देना यार, बहुत मेहनत से वीडियो बनाया, मैं कैसे आया मैं जानता हूँ यहाँ पे, और दोस्तों को जरूर शेयर करना। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको।